वेलकम फ्रेंड्स, चलिए आज हम 10 नंबर की सलाई लेंगे और ऊनी मोजे बनाएंगे, जिनके लिए सबसे पहले हम 14 फंदे एक सलाई में डालेंगे और 14 फंदों से मोजे बनाएंगे। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं, जो कि 6 से 8 महीने तक के बेबी को आराम से आ सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो 10 फंदे से भी बना सकते हैं, और अगर थोड़ा बड़ा करना चाहें तो 16 या 18 फंदे से भी बना सकते हैं, जो कि 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को आराम से आ जाएंगे। तो ये हम 14 फंदे से आज ये मोजा बनाएंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। हमने उल्टी सिलाई से 14 फंदे बुन लिए हैं और इस तरह से हम इन्हें पूरा करते हैं। अब देखिए, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 14 गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 14 फंदे हैं हमारे, और इससे हम ये पूरी सिलाई बुनेंगे। हमें हर सिलाई को उल्टी ही बुनना है, और इसमें उल्टी सिलाई की 11 डिज़ाइन, जो उल्टी लाइनें हैं वो 11 आनी चाहिए। इसका मतलब है हमारी 22 सिलाइयाँ हमें बनानी पड़ेंगी। हम ये 2 रंग की ऊन से बनाएंगे ये मोजे, और इस तरह से ब्लू कलर को हम जब बुन रहे हैं तो ये हम देखें इस तरह से, ये जो एक एक धारी है ये हमें 11 गिननी है। एक धारी के लिए 2 सलाइयाँ बनानी पड़ती हैं, तो इस तरह से हम ब्लू रंग की 22 सलाइयाँ यानी कि 22 लाइन बनाएंगे, और इस तरह से इस बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे रंग की एक क्रीम कलर की ऊन है जो इसमें हम जोड़ेंगे। दूसरे रंग की ऊन लेकर हम इसमें डिजाइन बनाएंगे और इस तरह से हम इसे उल्टी सिलाई ही बुनेंगे। पूरी 14 फंदों की पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुन लेनी है। सिलाई बुनते समय हमारे हाथ हमें थोड़े से साधारण रखने हैं। एक फंदा पहले हम छोड़ देंगे और उसके बाद पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। हर सिलाई को उल्टा बुनने से एक तरह की धारियां दोनों तरफ हमें दिखाई देंगी। क्रीम कलर की जो ये धारी है ये हमें 5 बनानी है। इसका मतलब है कि हमें 10 लाइन बनानी पड़ेंगी, और हम क्रीम कलर से 10 लाइंस बनाएंगे यानी कि 10 सिलाई बनाएंगे, जिससे कि 5 धारियां बनकर तैयार होंगी। और फिर उसके बाद हम फिर से ब्लू ऊन जोड़ेंगे। देखिए, 5 धारियां हमारी क्रीम कलर की बनी है, 11 हमने ब्लू कलर की बनाई है। अब फिर से हम यहाँ पर एक कुंदा उतारेंगे और उल्टी सिलाई बुनेंगे। इस ब्लू कलर की भी हम 5 धारियाँ बनाएंगे, यानी कि हमने 10 लाइन 10 सिलाइयाँ हमें बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पर डिज़ाइन डाल रहे हैं। और फिर से हम इसमें क्रीम कलर की ऊन जोड़ेंगे। ये भी हमें फिर से 5 धारियाँ बनानी है, यानी कि 10 लाइन बनाकर हमें कंप्लीट करनी होगी। इस तरह से देखिए, यहाँ पर नीचे हमने 11 लाइन बनाई है, फिर 5 लाइन हमने क्रीम से बनाई है, 5 ब्लू से बनाई है और 5 क्रीम से बनाई है। अब इसके ऊपर फिर से हमें 11 धारियाँ बनानी है, यानी 22 सलाइयाँ हमें फिर से बुननी है। 22 सिलाइयाँ बुनकर हम इस मोजे की बुनाई को हम पूरा करेंगे।
ये बहुत ही सुंदर छोटी सी बूटी बनकर तैयार होने वाली है। अपने हाथ को हल्का रखिए और सरलता से इसे बुनने की कोशिश करें, क्योंकि हाथ जितना हल्का रहेगा फिटिंग और फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमें एक कुंदा उतार लेना है और पूरी सिलाई बुन लेनी है। तो ये हमारी 22 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों तरफ एक समान हमने बुना है और बीच में 5-5 धारियों की लाइन हमने डाली हुई है। 11 लाइन है हमारी दोनों तरफ, 11-11 और बीच में 5-5। थोड़ा सा हम जॉइंट करके चेक कर लेंगे बराबर है या नहीं, कंफर्म हो जाए उसके बाद हम एक एक करके कुंदे को उतार लेंगे। सीधी सिलाई पर हम इस कुंदे को उतारेंगे इस तरह से, एक एक फंदा उतार कर इसे फिनिश करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और थोड़ी सी ऊन एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर इसे कट कर देंगे। अब हमें जो उल्टी साइड है उस तरफ इसे घुमाकर सिलना है। जहाँ पर हमने क्रीम कलर डाला है वहाँ पर हमें पहले सिलना है। देखिए इस तरह की बूटी बनकर तैयार होगी। तो एक सुई में धागा ऊन डाल लीजिए आप और उल्टी तरफ से क्रीम कलर वाले, ब्लू कलर वाले और फिर से क्रीम कलर वाले जो एक एक कुंदे हैं उस सुई की मदद से एक एक फंदे में सुई डालते हुए आराम से इन्हें खींचकर गांठ लगा देनी है। यानी एक नॉट हम इस तरह से लगाएंगे कि जहाँ पर ये सारे कुंदे इकट्ठे हो जाते हैं और एक अच्छा सा शेप बनकर तैयार होगा। थोड़ी सी फिटिंग लेकर एक नॉट अच्छे से लगा दीजिए और थोड़ी फिनिशिंग कर लीजिए जिससे कि बच्चे को पहनने में सरलता रहे, आराम रहे और उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। इस तरह से एक्स्ट्रा ऊन को निकाल दें। दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये जो दो रंग की हमने पट्टियां बनाई हैं इन्हें एक एक कुंदे में से डालकर हर सिलाई के एक एक कुंदे को लेकर इन्हें इकट्ठा कर लेना है हमें एक जगह और ऊन से नॉट लगा देनी है। थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखें और इन्हें मिलाकर एक दूसरे की किनारी से मिलाकर इसमें एक फिटिंग के साथ नॉट लगा दें और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे फिर हम बाद में निकाल देंगे। थोड़ी सी फिनिशिंग करना जरूरी है क्योंकि ये बेबी की बूटीज है तो फिनिशिंग जरूरी है और एक्स्ट्रा ऊन हम निकाल देंगे। अब इसे हम सीधा करके एक बार चेक कर लेते हैं दोनों तरफ से बराबर है। अब इसकी दो तरफ की किनारी ब्लू ऊन की जो है वो हमें ब्लू ऊन से सिलाई कर देनी है, पर दोनों परत को मिलाकर हर एक कुंदे से टांके लगाने हैं। ये टांके आराम से और फिनिशिंग से लगाइए एक दूसरे से मिला मिलाकर। दो तरफ के हमें कुंदे एक दूसरे से मिलाकर जोड़ देने हैं और कॉर्नर को थोड़ा सा सेट कर लेना है जिससे कि गोलाई आ जाए और फिर इसमें नॉट लगा देनी है फिनिशिंग के लिए।
एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। अब देखिए इसे सीधा करके हम देखते हैं, ये हमारी बूटीज बनकर तैयार हैं। ये कितनी प्यारी ये बूटी हमारी बन चुकी है और बहुत ही सुंदर है। इस तरह से ये हमारी एक बूटी बनकर तैयार है। ये आराम से एक साल के बच्चे तक आ सकती है, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर साल भर तक हम इसे पहना सकते हैं। और फिर इसके ऊपर एक बटन या पम्पम या फिर कोई फ्लावर आपकी इच्छा अनुसार इसमें स्टिक कर दें, जिससे कि इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा हो जाएगी। और इस तरह से देखिए कितनी प्यारी ये बूटी बनकर तैयार हो गई है, बच्चों के पैर में बहुत ही सुंदर लगेगी। थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।